जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है जो अब हमने पढ़ना है, उसका नाम है एफ टेस्ट। इसको अनोवा टेस्ट भी बोलते हैं, एफ टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो सैंपल साइज होता है, जो सैंपल होते हैं वो दो से ज्यादा होते हैं। पहले हमने पढ़ा कि जब हमारे पास एक सैंपल होगा तो हम उसको कैसे टेस्ट करना है। फिर हमारे पास कंडीशन थी जब दो सैंपल्स हों तो उनको कैसे टेस्ट करना है। अब हमारे पास जो सिचुएशन है उसमें दो से ज्यादा जितने भी सैंपल्स हों, तो तीन हो जाए, चार हो जाए, ये जितने भी सैंपल्स हो जाए हमने उनको टेस्ट करना है। तो उसके लिए हमें कौन सा टेस्ट यूज करना पड़ेगा? एफ टेस्ट। एफ टेस्ट का हाइपोथेसिस एक ही है, मतलब लेफ्ट टेल या राइट टेल टेस्ट नहीं होता एफ टेस्ट में, जस्ट टू टेल टेस्ट है, इक्वल टू साइन के साथ आता है। ठीक है, आपके पास जितने भी सैंपल्स गिवन होंगे, जितने भी वैरायटीज या जितने भी ट्रीटमेंट्स गिवन होंगे, उतने आपने म्यू लिखने हैं। लेट्स सपोज आपके पास है, आपने चार सैंपल्स को कंपेयर करना है कि वो आपस में बराबर हैं, तो म्यू वन नल हाइपोथेसिस में आएगा, म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू इज इक्वल टू म्यू थ्री इज इक्वल टू म्यू फोर। अगर हमारे पास सिक्स सैंपल्स होते, जिससे आप पहले दो सैंपल्स थे लास्ट लेक्चर में, अगर हमारे पास सिक्स सैंपल्स होते तो हमने इज इक्वल टू म्यू फाइव इज इक्वल टू म्यू सिक्स तक जाना था। ठीक है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, इन छह में से या इन चार में से, ये जितने भी हमारे पास गिवन हैं उनमें से कोई दो ऐसे हैं जो आपस में बराबर नहीं है। अगर ये कंडीशन हो तो हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है। हम कहते हैं कि कोई से दो ऐसे हैं, कम से कम कोई से दो ऐसे हैं जो आपस में बराबर नहीं हैं, बजाय इसके कि इतने सारे पेयर्स बनाएं कि वन इज नॉट इक्वल टू टू या वन इज नॉट इक्वल टू थ्री और इतनी सारी वो कंडीशंस बन जाएं, तो ज़रूरी नहीं है उसके लिए। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपका एक ही है, एटलीस्ट टू मीन्स आर डिफरेंट। इसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, जैसे पहले था हमारा सेकंड स्टेप में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सेम, उसी तरह से लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमें गिवन होगा 0.10, 10%, 5% या 1%। अगर गिवन नहीं है तो हमने 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यूज करना है। इसके बाद आता है टेस्ट स्टेटिस्टिक। एफ टेस्ट का जो फार्मूला है उसमें है एफ इज इक्वल टू एम एस ट्रीटमेंट डिवाइडेड बाय एम एस एरर, मीन स्केयर्स ऑफ ट्रीटमेंट एंड मीन स्केयर्स ऑफ एरर। मीन स्केयर ऑफ ट्रीटमेंट डिवाइडेड बाय मीन स्केयर ऑफ एरर, तो ये हमारे पास क्या होगा? एफ टेस्ट। अब क्वेश्चन ये है कि मीन स्केयर्स ऑफ ट्रीटमेंट क्या है और मीन स्केयर्स ऑफ एरर क्या है। ये दोनों फाइंड करने के लिए हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा जिसको हम अनोवा टेबल बोलते हैं। अनोवा टेबल की मदद से हम मीन स्केयर ऑफ ट्रीटमेंट और मीन स्केयर ऑफ एरर फाइंड आउट करेंगे। ये टेबल टोटल पांच कॉलम पे मुश्तमिल होता है। पहले कॉलम का नाम एस ओ वी है, यानी कि सोर्स ऑफ वेरिएशन, सोर्स ऑफ वेरिएशन। दूसरे कॉलम का नाम है डी एफ, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तीसरे कॉलम का नाम है सम ऑफ स्क्वेयर्स, एस एस।
फोर्थ कॉलम का नाम है एमएस मीन स्केयर्स और फिफ्थ कॉलम का नाम है एफ रेशो। ठीक है, इन पांच कॉलम में से जो सबसे पहला कॉलम है सोर्स ऑफ वेरिएशन का, उसमें जितने भी वेरिएशन के सोर्सेज हैं उनके नेम लिखे जाते हैं। हमारे डेटा सेट में टोटल वेरिएशन कितनी है जो हमने ट्रीटमेंट सप्लाई की या जो हमारे पास सैंपल्स हैं उनकी वजह से वेरिएशन कितनी आ रही है उसको मेजर करने के लिए हम ट्रीटमेंट यूज करते हैं, और जो रिमेनिंग रैंडमनेस है, एरर है, फ्लक्चुएशन है, रैंडम फ्लक्चुएशन है, उसको काउंट करने के लिए हम एरर यूज करते हैं। ठीक है, टोटल का डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 है। हमारे पास जितना भी सैंपल्स होंगे, सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3, और उनको जितनी बार भी रिपीट किया गया है, हमारे पास जो टोटल ऑब्जर्वेशंस होंगी उनको हम एन से डिनोट करेंगे और n-1 करेंगे तो हमारे पास टोटल का डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा। जब हम इसके एग्जांपल करेंगे नेक्स्ट तो ये मजीद क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से t-1 है जितनी आप ट्रीटमेंट्स यूज कर रहे हैं, जितना आपके पास सैंपल हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है 4, 1, 2, 3, 4 हैं, तो हमारे पास इस सिचुएशन में ट्रीटमेंट्स 4 होंगी। t हमारे पास 4 होगा, t-1 इज इक्वल टू 4-1। इसके बाद है n-t। ठीक है, एन हमारे पास जो टोटल सैंपल्स हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं जितने भी, वो हमारे पास एन है, और टी मैंने पहले डिफाइन कर चुका हूँ कि हमारे पास है जितने सैंपल्स होंगे। सम ऑफ स्केयर्स वाला बाद में डिस्कस करते हैं, इससे बाद में आता है मीन स्केयर। हमारे पास सम ऑफ स्केयर्स की कुछ वैल्यूज आएंगी। सम ऑफ स्केयर्स को जब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड करेंगे, यहाँ से जो वैल्यू आएगी डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू, तो वो हमारे पास मीन स्केयर आ जाएगा, और जिस रो में होगा वो उस रो का मीन स्केयर होगा। अगर इस रो की बात की जाए तो ये हमारे पास है मीन स्केयर ऑफ ट्रीटमेंट बताएगा। अगर हम नीचे वाले कॉलम रो की बात करें तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो हमें मीन स्केयर ऑफ एरर बताएगा। तो हमें यही दो रिक्वायर्ड थे, मीन स्केयर ऑफ ट्रीटमेंट और मीन स्केयर ऑफ एरर। तो MST डिवाइडेड बाय MSE, यहाँ से दो जो वैल्यूज आएंगे उनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एफ रेशो निकल आएगी, एफ स्टेटिस्टिक या एफ कैलकुलेटेड वैल्यू निकल आएगी। फिर हमने क्या करना है, क्रिटिकल रीजन की तरफ मूव करना है। ये जो सम ऑफ स्केयर है ये जब हम एग्जांपल करेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। एफ कैलकुलेटेड है हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ अल्फा इनटू ट्रीटमेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम कॉमा एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम। एफ कैलकुलेटेड हमें यहाँ से मिलेगा, यहाँ से हमने यहाँ पर पुट कर देना है। अल्फा हमें गिवन होगा, अल्फा की वैल्यू हम अल्फा की जगह पे पुट कर देंगे। ट्रीटमेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने यहाँ से फाइंड आउट की होगी तो यहाँ से देखकर हम यहाँ पर पुट कर देंगे। एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम भी हमारे पास गिवन मौजूद होगी तो हम ये भी यहाँ से पुट कर देंगे। तो फिर हम एफ का एक टेबल होता है, जिस तरह टी का अलग से टेबल था, जी का अलग से टेबल था, इसी तरह एफ का टेबल अलग से है। एफ के टेबल में से हम वैल्यू पिक करेंगे और फिर हम उसको कंपेयर करेंगे कि हमने रिजेक्ट करना है या डू नॉट रिजेक्ट करना है। अगर कंडीशन सेटिस्फाइड है तो हम रिजेक्ट करेंगे, अदरवाइज डू नॉट रिजेक्ट टच नॉट करेंगे। अब हम एग्जांपल की तरफ जाते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल में है
An experiment was conducted to compare the yield of three varieties of potatoes. The yield were as follows. Variety A, variety B और variety C. ठीक है, variety A के अंदर हमारे पास चार ऑब्जर्वेशन हैं, चार दफा रिपीट की गई है, चार जगह पर यूज किया गया इसको. वैरायटी बी के अंदर भी चार हैं, वैरायटी सी के अंदर भी चार दफा रिपीट किया गया इसको. हमने इन चारों वैल्यूज का सम कर लिया, ये 64 बन गया, और सॉरी 86, ये 84 और ये 67. इसके बाद हमें वो कहता है टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द थ्री वैरायटीज ऑफ पोटैटोज आर सेम इन द यील्डिंग कैपेबिलिटीज. ये तीनों वैरायटीज की जो प्रोडक्शन है वो सेम है, उनकी यील्ड सेम है, ये हमने टेस्ट करना है. तो इसके लिए सबसे पहले हाइपोथेसिस बनाएंगे हम. हमारे पास यहाँ पर तीन वैरायटीज हैं, तीन सैंपल्स हैं, सैंपल वन, सैंपल टू और सैंपल थ्री. वैरायटी वन, वैरायटी टू और वैरायटी थ्री. तो इसलिए हमारे पास म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू इज इक्वल टू म्यू थ्री आएगा. ठीक है, अगर हमारे पास इससे ज्यादा वैरायटीज होती तो हम उनको भी अपने म्यू में ऐड कर, अपने नल हाइपोथेसिस में ऐड कर लेते. अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यही रहेगा, एटलीस्ट टू मीन्स आर डिफरेंट बस. इसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं दिया हुआ, लेकिन हमें पता है कि जिस क्वेश्चन में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन ना हो वहां पर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% होगा. तो अल्फा 0.05 आ गया. टेस्ट स्टेटिस्टिक में आ जाएगा F इज इक्वल टू एम एस टी ट्रीटमेंट डिवाइडेड बाय एम एस एरर. इसके बाद हमारे पास अनोवा टेबल आ जाएगा जिसको हमने कंप्लीट करना है. F टेस्ट में जिसका अनोवा टेबल कंप्लीट हो गया उसका 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, बाकी छोटी मोटी डेफिशिएंसी रह जाती है. तो अनोवा टेबल में सबसे पहले हमारे पास सोर्स ऑफ वेरिएशन है. सोर्स ऑफ वेरिएशन में टोटल ट्रीटमेंट और एरर. हमने पढ़ा था कि टोटल का डिग्री ऑफ फ्रीडम n माइनस वन होता है, तो हमारे पास यहाँ पर n 12 हैं. टोटल ऑब्जर्वेशन हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऑब्जर्वेशन है हमारे पास टोटल. तो हमारे पास n आ गया 12 माइनस 1, तो आ गया टोटल का डिग्री ऑफ फ्रीडम 11. हमारे पास ट्रीटमेंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम t माइनस 1 होता है, तो हमें पता है कि हमारे पास जो t है, टोटल ट्रीटमेंट्स तीन हैं, वैरायटी ए, वैरायटी बी, वैरायटी सी. तो 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा. इसके बाद एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें फाइंड करना है, तो n माइनस टी, n हमारे पास 12 है, हमने पीछे डिस्कस किया है इसको, और ट्रीटमेंट हमारे पास 3 है, तो 12 माइनस 3, 9 आ जाएगा. ठीक है, इसके बाद हमने सम ऑफ स्केयर्स फाइंड करने हैं. तो टोटल का जो सम ऑफ स्केयर है वो कुछ इस तरह से होगा कि हमारे पास जितने भी ऑब्जर्वेशन हैं 23, 18, 16, after so on 14, हमने इन सब का 1/1 स्केयर करना है. 23 का स्केयर प्लस 18 का स्केयर प्लस 16 का स्केयर प्लस 26 का स्केयर प्लस 28 का स्केयर
प्लस 25 का स्क्वेयर प्लस ऑन प्लस एंड पे 14 का स्क्वेयर। हमने इन तमाम वैल्यूज का स्क्वेयर ले लेना है, ठीक है। ये हम ले 23 का स्क्वेयर प्लस 18 का स्क्वेयर प्लस 16 का स्क्वेयर प्लस ऑन प्लस 14 का स्क्वेयर। इसमें से हमने माइनस करना है ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल क्या होता है कि 86 प्लस 84 प्लस 67, इन तमाम वैल्यूज को जो सम करने से हमारे पास एंड पे आंसर आता है वो है ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल हमारे पास यहाँ पर है 237। 237 हमने इसका स्केयर ले लेना है क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला है वो है ग्रैंड टोटल का स्केयर डिवाइडेड बाय एन। एन वही है जो हमने ट्रीटमेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम में यूज किया है, ठीक है। तो 237 का स्केयर डिवाइडेड बाय 12, फिर हमने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। 23 का स्केयर प्लस 18 का स्केयर प्लस 16 का स्केयर प्लस 14 का स्केयर, ये हमारे पास एंड पे जो रिजल्ट बताता है इन सबको स्केयर करने से वो है 49.53 4953। और हमारे पास ग्रैंड टोटल का स्केयर डिवाइडेड बाय एन से जो आंसर आता है वो है 4680.75, ठीक है। जब हमने इसको मजीद सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास टोटल सम ऑफ स्केयर का आंसर आता है 272.25, ठीक है। ये हमारे पास टोटल सम ऑफ स्केयर आ गया। इसके बाद हमने फाइंड करना है ट्रीटमेंट का सम ऑफ स्केयर। ट्रीटमेंट्स का सम ऑफ स्केयर हमें फाइंड करने के लिए हमारे पास जो सम्स हैं हर ट्रीटमेंट का, हमें क्या करना है कि 86 का स्केयर लेना है और इसे डिवाइड करना है जितनी ये वैल्यूज सम की गई थी 1, 2, 3 और 4। 86 का स्केयर डिवाइड बाय 4, 84 का स्केयर डिवाइड बाय 4, 67 का स्केयर डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। जब हमने ये पॉइंट कर लिया 86 का स्केयर डिवाइड बाय 4 प्लस 84 का स्केयर डिवाइड बाय 4 67 का स्केयर डिवाइड बाय 4 माइनस जो पार्ट हमने टोटल सम ऑफ स्केयर में से माइनस किया था वही पार्ट हम ट्रीटमेंट सम ऑफ स्केयर फाइंड करते हुए माइनस करेंगे। तो हमारे पास जो स्केयर डिवाइड बाय नंबर ऑफ एप्लीकेशन से जो आंसर आया था वो ये वाला है और ग्रैंड टोटल का स्केयर डिवाइडेड बाय एन से जो आंसर आया वो ये वाला है। इन दोनों को हमने माइनस कर देना है तो हमारे पास सम ऑफ स्केयर ऑफ ट्रीटमेंट आया 54.5। ये हमारे पास टोटल का डिग्री टोटल का सम ऑफ स्केयर है, ये हमारे पास ट्रीटमेंट का सम ऑफ स्केयर है। इसके बाद हमने क्या करना है एरर का सम ऑफ स्केयर फाइंड करने के लिए, जस्ट हमने टोटल में से ट्रीटमेंट को माइनस करेंगे, टोटल में से ट्रीटमेंट को माइनस करेंगे तो हमारे पास एरर का सम ऑफ स्केयर आ जाएगा 272.25 माइनस 54.5 करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 217.75, ठीक है। इसके बाद हमने मीन स्केयर फाइंड करना है। हमने प्रीवियस पढ़ा था कि मीन स्केयर कैसे फाइंड होते हैं, सम ऑफ स्केयर्स को डिवाइड करना है डिग्री ऑफ फ्रीडम पे 54.5 डिवाइडेड बाय 2, सम ऑफ स्केयर्स डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम 54.5 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास 27.25 आंसर आ जाएगा मीन स्केयर ऑफ ट्रीटमेंट, क्योंकि ये ट्रीटमेंट की रो है तो मीन स्केयर ऑफ ट्रीटमेंट आ जाएगा। मीन स्केयर ऑफ एरर फाइंड कैसे करेंगे,
सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर 217.75 डिवाइडेड बाय 9, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 है तो इसलिए हम 9 पे डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास 24.19 आंसर आएगा। इसके बाद हमें एफ रेशो चाहिए, एफ रेशो में क्या है, मीन स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट जो कि 27.25 है डिवाइडेड बाय मीन स्क्वायर ऑफ एरर, मीन स्क्वायर ऑफ एरर 24.19 है। जब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास एफ रेशो की वैल्यू आएगी 1.13। क्लियर हो गया? जब हमारे पास एफ रेशो आ गया तो हमने क्रिटिकल रीजन की तरफ मूव कर जाना है। क्रिटिकल रीजन में एफ कैलकुलेटेड ग्रेटर देन एफ अल्फा ट्रीटमेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम कॉमा एम एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम। एफ कैलकुलेटेड हमारे पास 1.13 है, अभी हमने फाइंड किया, ग्रेटर देन आर इक्वल टू एफ अल्फा हमारे पास 0.05 है, ट्रीटमेंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, ट्रीटमेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है और एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 है, तो ये हमने 2 पुट किया, एरर की जगह पर हमने 9 पुट कर दिया। अब हमने एफ का टेबल देखना है, 0.05 टेबल होगा और फर्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है और सेकंड 9 है। ये अल्फा 0.05 लिखा हुआ है, ये फर्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये सेकंड डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये ट्रीटमेंट्स के लिए है और ये एरर के लिए है। तो हमने हमारा ट्रीटमेंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है और एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 है, तो हमने ये देखा कि 4.2565 आंसर आ रहा है, ये 2 और ये 9, 4.2565 ये वैल्यू हम अपने अपने पास नोट कर लेंगे, 4.2565। अब हमने इसको कंपेयर करना है कि 1.13 4.2565 से बड़ा है या छोटा है, तो ये हमारी जो दरमियान वाली कंडीशन है ये सेटिस्फाइड नहीं हो रही, तो हम कहेंगे कि डू नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, क्योंकि हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही तो हम एच नॉट को रिजेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, हम डोंट रिजेक्ट एच नॉट करेंगे। अगर आप स्टेटमेंट कंप्लीट लिखना चाह रहे हो तो आप कंप्लीट भी लिख सकते हो, अदरवाइज जस्ट डोंट रिजेक्ट एच नॉट या डोंट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस भी ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है, किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो वो पूछ सकता है। जी, अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है, किसी पॉइंट की समझ नहीं आई, कोई मसला है तो पूछ सकते हैं। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट कैसे आया? हमारे पास जो ट्रीटमेंट्स का सम है, ट्रीटमेंट ए या वैरायटी ए का जो सम है वो 86 है, 86 है वैरायटी ए का सम, हमने इसका स्क्वायर करना है और डिवाइड करना है जितनी वैल्यूज का ये सम था, 1, 2, 3, 4, ये 4 वैल्यूज का सम था, तो हमने 86 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 कर देना है। वैरायटी बी में हमारे पास 84 है, 84 का स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे। वैरायटी सी में 67 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर यही किया है
86 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 84 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 67 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस के बाद में वही टर्म है जो टोटल सम ऑफ स्क्वायर में थी, ठीक है, वही यहाँ पर यूज हुई है, वही प्रीवियस यूज हुई थी, ठीक है। तो हमने ग्रैंड टोटल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो कि पूरे एक्सपेरिमेंट में हैं, जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं वो यहाँ पर एन के साथ आ जाएंगी, ठीक है। तो जब हमने इसको सिंपलीफाई किया इस क्वेश्चन को, तो हमारे पास आता है आंसर 4735.25। और जब हमने माइनस के बाद वाले पोर्शन को सिंपलीफाई किया तो हमारे पास आता है 4680.75। और जब हमने इसको मजीद सिंपलीफाई किया तो हमारे पास 54.5 आंसर आता है। क्लियर हो गया? और किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है, किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप लोग पूछ सकते हो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मैक्सिमम कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, तो उसके लिए बेहतर यही है कि आप लोग प्रैक्टिस इसकी ज्यादा से ज्यादा करो, ताकि आप लोग कैलकुलेटर को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाओ। लास्ट कहाँ से है? लास्ट का नहीं मुझे पता। अगर तो आप लास्ट बोल रहे हैं क्रिटिकल रीजन से, तो क्रिटिकल रीजन से है कि हमारे पास एफ कैलकुलेटेड है ग्रेटर देन आर इक्वल टू एफ ट्रीटमेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम कॉमा एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम। कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास आई जो हमने प्रीवियसली सॉल्व की है 1.13। अल्फा हमारे पास 5% है, 0.05 आया। ट्रीटमेंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है और एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 है। तो हमारे पास एफ का टेबल है 0.05 अल्फा के साथ, जिसमें 2.9 हम चेक करेंगे। ये अल्फा 0.05 है ऊपर लिखा हुआ, डिग्री ऑफ फ्रीडम ये 1 यानी कि ट्रीटमेंट की डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये ट्रीटमेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, ये एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो क्या होगा, हम 2 और 9 को चेक करेंगे तो ये 4.2565 आंसर आ रहा है। तो हम इसको कंपेयर करेंगे 1.13 के साथ, तो हम कंक्लूड कर देंगे कि डोंट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। जी, और कोई क्वेश्चन किसी स्टूडेंट का, किसी पॉइंट की समझ ना आ रही हो तो क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लियर है सबको?